बड़ौदा शहर के पास पादरा में एक डॉग शो का आज आयोजन किया गया था। बड़ौदा पेट पेरेंट्स नाम की संस्था की ओर से ये डॉग शो का आयोजन किया गया था, जिसमें बड़ौदा शहर समेत आसपास के विस्तार के विभिन्न डॉग अपने मालिक के साथ वहां पर पहुंचे थे। आपको बता दें कि ये आयोजन के पीछे जो पालतू डॉग्स होते हैं वो किस तरह से ट्रेन होते हैं और किस तरह से उन्हें ट्रेन किया जा सकता है, इसके बारे में जानकारी दी गई थी। आपको बता दें कि करीबन 26 विभिन्न प्रजाति के पेट्स जो है, डॉग जो है, वो यहां पर आ पहुंचे थे और उनकी ओर से विभिन्न डेमोस्ट्रेशन भी वहां पर दिया गया था। किस तरह से पालतू जो डॉग्स है वो मुश्किल के समय में अपने मालिक की किस तरह से बचाव करते हैं, मालिक को किस तरह से मदद करते हैं, इस बारे में भी यहाँ पर डेमोस्ट्रेशन दिया गया था। बड़ौदा पेट पेरेंट्स यानी कि बड़ौदा पेट पेरेंट्स एसोसिएशन जो संस्था है उसकी ओर से विभिन्न तरह के ये डॉग शो के जरिए जो पालतू कुत्ते हैं उनके बारे में लोगों का रवैया बदले और लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो पालतू पेट्स जो हैं, पालतू डॉग्स जो हैं, उनके को उनको समझे और उनकी प्रक्रिया को समझे, उस हेतु से विभिन्न जगहों पर इस तरह से डॉग शो का आयोजन बड़ौदा पेट पेरेंट्स संस्था करती आई है। वडोदरा पेट पेरेंट तरफ थी आ पहलो डॉग शो छे जे पादरा पासे ना समियाला गाम पासे करवामां आव्यो छे। जस्ट पेट अवेयरनेस प्रोग्राम छे जेमां तमे तमारा डॉग ने ओबिडियंस करीने सारी रीतना ग्रूम करीने केवी रीतना एक्झिबिट करी शको ए बतावामां आवशे। 120 થઈ ગયા છે સર અને આ ડોગ શોની અંદર ફક્ત વડોદરા લેવલ પર નથી, અમદાવાદ, ભરૂચ, નડિયાદ, આણંદથી પણ, ડાકોરથી પણ આવ્યા છે। નમસ્તે, મારું નામ હરીશ પાટીલ છે। आज पेट पेरेंट्स ग्रुप द्वारा आ डॉग शो आयोजन करवामां आव्यु छे, जेमां 26 टाइपनी ब्रीड्स आवी छे, डिफरेंट, जेमां पुडल छे, पग छे, शिज़ू छे, चुआवा छे, डोबरमन छे, रॉटवालर छे, साइबेरियन हस्की छे, अनेक ब्रीड आव्यु छे। आ पेट शोनुं आयोजन मात्र अवेरनेस प्रोग्राम અને લોકોની એક એનિમલ પ્રત્યેની લાગણી અને જાગૃતતા માટે કરવામાં આવ્યો છે। આમાં કોઈ કોમર્શિયલ પર્પઝ નથી રાખવામાં આવ્યો। આમાં અમે એક આયોજન ઓબિડિયન્સ માટે બી કર્યું હતું, જે બોમ્બેથી એના સ્પેશિયલ અમે ટ્રેનર બોલાવ્યા હતા, એમનો ડોગ લઈને, જે ડોક્ટર બેલ્જિયમ મેલિનો કરીને એક બ્રીડ લઈને આવ્યા છે, એનું બહુ જ સરસ ડેમોન્સ્ટ્રેશન બી અમે અહીં આયોજન કર્યું। ડોગ પ્રતિ માણસનો કેવો વ્યવહાર હોવો જોઈએ, ટ્રેનિંગ કયા પ્રકારની હોવી જોઈએ, એના વિશે બી અમે ઘણી બધી આજે માહિતી આપી છે। હું એવું વિશ કરીશ કે આ રીતના અવારનવાર વડોદરામાં શોઝ થાય અને લોકોની એનિમલ પ્રત્યેની જાગૃતતા અને એનું નોલેજ વધે। થેન્ક યુ વેરી મચ। અબ ખબરો સે લગાતાર અપડેટ રહેના હુઆ આસાન। બીઆરજી ન્યૂઝ આપકે મોબાઈલ સ્ક્રીન પર। આજ હી બીઆરજી ન્યૂઝ કી મોબાઈલ એપ ગૂગલ પ્લે સ્ટોર ઓર એપ સ્ટોર સે ડાઉનલોડ કરે ઓર ખબરો સે લગાતાર જુડે રહેં।